please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पांच के अप्रश्न में अब बात अमित शाह की। राजस्थान के एक दिन के दौरे पर गए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल को मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद कर देने चाहिए। शाह ने दावा किया कि राजस्थान में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शाह ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार ने लोगों से किए गए सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यहां भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं। राहुल बाबा को मुंगेरी लाल के स्वप्न देखने का अधिकार, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर दिखा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने हिंदू सिख बौद्ध और जैन यहां आए हैं उनको नागरिकता देंगे। इसीलिए पांच का प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान के चुनावों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? बताइएगा जरूर। वक्त हो रहा ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट कर आते हैं। और पांच का प्रश्न अब बात उस खबर की जो वाकई में आपको परेशान करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बार बार तल्ख टिप्पणियों के बावजूद भी देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में भीड़ की जानलेवा हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले पांच दिनों में छह लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। भीड़ के गुस्से की पहली तस्वीर 7 सितंबर को आई, वहां जहां बेगूसराय में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। भीड़ के हत्या चढ़े 3 अपराधियों ने एक छात्रा के अपहरण की कोशिश की थी। दूसरी घटना 8 सितंबर को रोहतास से सामने आई, जहाँ जादू टोना करने के शक में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ के जंगलराज की तीसरी तस्वीर सीतामणि जिले की है, जहां सोमवार को चोरी के शक में एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। और चौथी घटना सासाराम की है, जहां लूट के एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये 11 सितंबर आज की घटना। इसीलिए पांच का प्रश्न है कि बिहार में आखिर कब तक भीड़ तंत्र के जरिए खूनी खेल खेला जाए। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुट आपस में आज भिड़ गए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ 13 तारीख को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता और हमारे भी कुछ कार्यकर्ता सारे लोग जाकर के एलएलबी डिपार्टमेंट में प्रचार करने जब हम गए तो वहाँ पे एक गुंडा, एक तानाशाह रहता है जितेंद्र मित्रा, जो कि एलएलबी डिपार्टमेंट का दिन है, उसने अपने गुंडों को इशारा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने कार्यकर्ता है उनको खदेड़ के मारिए। इसीलिए पांच का प्रश्न की छात्र संघ चुनाव से पहले हुई हिंसा के आरोपी आखिरकार कब गिरफ्तार? अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आयकर जांच से बचने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी को निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी गलत नीतियों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, जबकि फर्जी कंपनियों के जरिए खुद को मजबूत कर दे रहे। स्मृति ईरानी ने तंज कसा कि पीएम से गले मिलने वाले राहुल गांधी आयकर विभाग के अधिकारियों से दूर क्यों भाग रहे हैं? गांधी, श्रीमती वाड्रा, सोनिया गांधी 99% के मालिक बनते हैं उस कंपनी के जो देश में अब हजारों करोड़ की संपत्ति अपने पास रखती है। इस विषय पर जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है तो राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं, जिसे प्रधानमंत्री को गले लगाने में कोई शंका कोई दिक्कत नहीं, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर से मीलों दूर भागता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पीछे खड़े होकर लड़ रहे हैं। हिम्मत है मोदी जी तो राहुल जी और कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई लड़े तो हम माने के 56 इंच की छाती है। इल्जाम क्या? इसीलिए पांच का प्रश्न है कि क्या बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस के बहाने कांग्रेस को घेर पाने में करप्शन के मामले पे कामयाब होगी, क्योंकि यहां राफेल वहां नेशनल हेराल्ड, सीधे तौर पर करप्शन के मामले पर आमने सामने की लड़ाई।
फिलहाल पांच का प्रश्न में मेरे साथ इतना ही, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भैया जी कहीं ना आज इंदौर में।